नमस्कार जी, आप सभी दोस्तों का स्वागत है सतगुरु डेयरी फार्म में। जैसा आपको पहले से पता है कि हमारा जो डेयरी फार्म है सतगुरु डेयरी फार्म, वो गांव मुनिसैफ है, तहसील श्री कर्णपुर, जिला गंगानगर में है। और समय समय पे आपके वीडियो आती रहती है। आज की वीडियो खास होने वाली है, इसलिए कि जो लोग कहते हैं कि गंगानगर में ब्रीड नहीं मिलती, मतलब प्योर क्वालिटी नहीं मिलती, उनके लिए खास वीडियो होने वाली है। और अभी सीजन गाय का शुरू हो रहा है, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। इसमें आपको दिखेगा कि ब्रीड की गाय प्योर एचएफ, जैसे बड़े बड़े एबीएस के सीमन आ गए आजकल, उनकी बछड़ियां हैं। और जो मेरे साथ बैठे हैं नादिर भाई, ये इन्होंने अपने रिश्तेदारों को गाय दिलाई है 10 गाय, और ये गाय कम से कम 62,000 और ज्यादा से ज्यादा 1,00,000 में इन्होंने ली है। और बहुत अच्छी गाय है, हाइट लेंथ ब्रीड। खास करके नादिर भाई का ये कहना था कि इसमें हमारे को प्योर ब्रीड की गाय चाहिए, तो इनकी इनकी डिमांड के ऊपर हमने बहुत बढ़िया गाय इनको लेके दी है, जो कि आगे जाके बहुत अच्छी गाय निकलेगी। और जो भी आगे हमारे से गाय लेने वाला है, उनको ये खास वीडियो आप देखना कि इसमें ब्रीड का बहुत खास ध्यान रखा, ऐसी ब्रीड की गाय हमारे यहाँ मिलती है। और मैं नादिर भाई से पूछना चाहता हूँ कि नादिर भाई जी, जो आपने हमारे से गाय ये 10 ली है, जो आपने अपने दोस्तों को दिलाई है, तो सौदा जो हुआ है आपकी, ये हमारे हमने जो गाय दिलाई है आपके बिल्कुल बाजू रेट में हुई है, रीजनेबल कॉस्ट में हुई है। और जो गाय अभी यहाँ हमने 60 से लेकर 1,00,000 तक ली है, तो 60,000 की गाय उधर अगर गुजरात में लेने के लिए जाएंगे और इस तरह का ब्रीड भी नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो वो 60,000 की गाय 90,000 से कम नहीं मिलेगी उधर, और यहाँ पे प्योर ब्रीड मिलेगा। और कालू भाई को मैं पहचानता हूँ, करीबन 2016 में मैंने एक बार आया था मोहसिन भाई के साथ, तो उसी टाइम से मैंने सोचा कि जैसे ऐसा लगता है कि यहाँ पे चीटिंग हो जाता है, लेकिन कालू भाई जो काम कर रहे हैं वो एकदम परफेक्ट है। और उनके साथ बैठ के मैंने जो गाय आज तक काऊ में जो खरीद किए गायों की, वो बढ़िया सी नस्लों की निकली है और दूध भी बेहतरीन मिला है। जैसा कि नादिर भाई हम सौदा कर रहे थे, तो नादिर भाई ने हमारे से शुरू से बोला कि 60 लगाओ, तो जो उन्होंने 60-62 बोला उसी में हमने रेट में करवाई, और अभी रेट बिल्कुल वाजिब है। तो इस वजह से हमारे को ये नहीं इनको लगा कि रेट, और जैसे हमारा सौदा कराने में आपको जिस तरह चाहते उस रेट से हमें यहाँ पे अच्छी ब्रीड की गाय मिलेगी। और मेरे साथ डॉक्टर मोहसिन जी बैठे हैं, ये तो हर जगह ऑलराउंडर है। मेरे ऑलराउंडर कहने का मतलब है कि ये 12 साल से मेरे घर पे आ रहे हैं, अपने रिश्तेदार और खुद की जो इनके तबेले पे गाय है, जो इनके डेयरी फार्म पे गाय है, तो वो सब मेरे से गई है। हम इनसे थोड़ा वीडियो में बात इसलिए नहीं करवाना चाहते थे कि गंगानगर के जो दलाल है या पंजाब के दलाल है वो सब इनको जानते हैं, तो इनको थोड़ा तंग करते हैं, ये वीडियो पे आना भी नहीं चाहते थे। हो सकता है गंगानगर से भी अभी इनको फोन आएंगे, ये गाय जो आपने 80 की लिए आप 60 की दिला देते, मतलब ऐसी जो दलालों के चक्कर होते हैं वो इनको फोन आएंगे। फिर भी हमसे इनसे पूछना चाहते हैं कि ये डॉक्टर साहब अभी साल बाद इधर आए हैं, तो डॉक्टर साहब जो पंजाब की ब्रीड है और जो हमारे गंगानगर की ब्रीड में, पहले पिछले सालों से उसमें थोड़ा बहुत आपको लगा अंतर आया? बहुत अच्छी है, अब सारी अच्छी 100% ब्रीड वाली निकल रही है, क्योंकि यहाँ पे भी सीमेंट की ब्रीड ABS और WWS की सीमेंट की लोग रखवाते हैं और वो ब्रीड हमको मिलती है यहाँ पे भी। और जैसे कि ये 5 साल पहले आए थे तो यहाँ बिल्कुल क्रॉस गाय थी, तो 5 साल पहले बहुत क्रॉस ब्रीड थी यहाँ पे, अब 100% HF यहाँ पे मिल रही है। ये मेरे घर पे ये कह रहे थे कि हमारी खास डिमांड है कि यार बढ़िया गाय चाहिए, तो ब्रीड वाली गाय इनको मिलाई। और दूसरी बात ये है कि पंजाब की गाय, पंजाब में गर्मी वहाँ पे पंजाब की गाय वहाँ सेट नहीं हो सकती है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। हनुमानगढ़ की जो गाय है, हनुमानगढ़ की जो गाय है उस यहाँ पे टेम्परेचर 40 से गंगानगर की जो गाय है वहाँ पे, यहाँ पे टेम्परेचर 40 से 45 तक रहता है। जैसा गुजरात में क्लाइमेट है वैसा ही यहाँ पे क्लाइमेट है, पंजाब में टेम्परेचर डाउन रहता है, उसकी वजह से वो ब्रीड अगर गुजरात में जाती है तो उसमें दिक्कत आती है, उसकी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स नहीं करती है और काऊ का जो हम परफॉर्मेंस चाहते हैं वो नहीं मिलता है। और गंगानगर का टेम्परेचर और गुजरात का जो हमारे एरिया में है उसका टेम्परेचर सेम रहने की वजह से ब्रीड अच्छे से, मतलब जो हम जितना इन्वेस्ट करते हैं उसके सामने हमें मुआवजा मिल जाता है। एक डॉक्टर साहब बात, वीडियो लंबा हो रहा है फिर भी मैं कहना चाहूँगा, आज मेरे को याद आ गया कि दलाल कुछ भी नहीं कर सकता,
ये तो गंगानगर में बेहतर है, मौसम अच्छा है, इसका खान पीन अच्छा है, इस वजह से 22 साल पहले हमने गंगानगर से गाय बेचना शुरू की और गुजरात के अंदर, तो गुजरात में वो गाय सेट होने लग गई। अब दलाल क्या करेगा, दलाल गाय कुछ नहीं कर सकता, यहाँ की गाय टॉप निकलती है, दलाल या अच्छी बुरी दलाने से कुछ नहीं होगा, यहाँ की गाय टॉप निकलती है, इस वजह से बात कामयाब हो जाती है। डॉक्टर साहब ने थोड़ा कम बता दिया, वेदर 45 डिग्री नहीं, यहाँ 49 और 50 भी हो जाता है, अभी जो आज का दिन है 48 डिग्री टेम्परेचर, ठंडी भी ज्यादा पड़ती है यहाँ, बिल्कुल ठंडी भी ज्यादा पड़ती है। और इनके कहने का मतलब है नादिर भाई और मोहसिन का कि यहाँ की गाय हर क्लाइमेट में सूट हो जाती है और गाय मरती नहीं, और आगे जो आने वाले भाई साहब सभी को यही हमारी हमारे हाथ जोड़ के विनती है कि बढ़िया गाय लेके जाएंगे तो हमारा भी धंधा चलेगा। और कई आदमी होते हैं कि सस्ती चाहिए, वो सस्ती जो 25,000 की है वो दूध थोड़ी देगी, तो वो अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है आदमी की, लेकिन डेयरी में जो बड़ी गाय चलती है जैसी कि डॉक्टर साहब ने नादिर भाई और मोहसिन ने ली, ये पहले नंबर की बछड़ी है, बिना दांत है अभी, बिल्कुल दूध के दांत, 3 साल की बछड़ी है, अभी भी 5-7 दिन ब्याने में ले रही है। आप इसकी हाइट बॉडी देख सकते हैं, पहले ब्यांत ही तकरीबन 27-28 लीटर दूध दे देगी, और अडर क्वालिटी, इसकी अडर क्वालिटी आप देखो कितनी अच्छी है, और बहुत ही अच्छी है, और सिर्फ दूध के दांत, मतलब 3 साल की उम्र है सिर्फ। ये दूसरे नंबर की गाय है, आप देख सकते हैं इसकी हाइट बहुत अच्छी है और इसका कद भी बहुत अच्छा है, भाई साहब जो खड़े हैं लेके उनके उतने जितना कद है, और ये 36 लीटर दूध निकाल रही है अभी, तकरीबन दोनों टाइम का 35 लीटर दूध हाजिर है, और 8-10 दिन की ब्याई है अभी, हाइट और कद बहुत है, अडर क्वालिटी बहुत है इसकी, और बहुत अच्छी गाय है। गंगानगर में आप पहले नहीं ऐसी गाय देखी होगी जो अब गाय जा रही है, ये टोटल इस गाड़ी में ये खास गाय है इसकी, आप देखो प्योर HF AVS की बछड़ी, दूसरे ब्यात ब्याने वाली, मुंह से 4 दांत, और इस गाय में बताने की जरूरत नहीं है कि कितना दूध देगी, अभी भी 7-8 दिन ब्याने में ले रही है, अडर क्वालिटी देखो इसकी आप, तकरीबन दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि 40 लीटर दूध ना दे तो गारंटी, और ऐसी गाय गंगानगर में सिर्फ सतगुरु डेयरी फार्म से आपको मिल सकती है, और ये हम किसानों से सीधी आपको दिला सकते हैं बड़े बड़े फार्मों से। फर्स्ट बार ब्याने वाली अभी 8 दिन ले रही है, प्योर ब्रीड की बछड़ी है, अभी भी दूध के दांत है इसके, मतलब 2.5-3 साल के सिर्फ, और आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी, जो पंजाब के अंदर AVS के सिमन जैसे पैनी मेकर हैं वो चीज़ है ये, और आपको बताने की जरूरत नहीं है, ब्रीड होगी तो दूध मिलेगा, और गुजरात वालों की ये एक मांग थी कि हमारे को प्योर ब्रीड की गाय चाहिए, तो जो हमने उनको अवेलेबल करवाई है। एक देखो ये स्पेशल बछड़ी है, 2 दांत सिर्फ 3-3.5 साल की ब्याने में ले रही है 8-10 दिन, आप देख सकते इसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, ऊपर से बिल्कुल प्लेन प्योर क्वालिटी की, और अभी भी 8-10 दिन ब्याने में ले रही है। जो बढ़िया डेयरी करना चाहता है वो हमारा नंबर स्क्रीन पे मेंशन किया है, उससे बात करके ऐसी बछड़ियाँ ले सकते हैं आप भी। ये गबन ज़्यादा लेने का उनका था कि घर जाके बहेगी तो अच्छी देखभाल हो जाएगी। एक ये बछड़ी आप देख सकते हैं कितनी हाइट की, कद वजन की, सिर्फ 2 दांत बछड़ी, अभी ब्याने में 8-10 दिन ले रही है, ऊपर से प्लेन
प्योर क्वालिटी की है। तकरीबन पहले ब्यांत ही तकरीबन 30 लीटर दूध ना दे तो ये बछड़ी लेने का कोई फायदा नहीं, और ये बछड़ी बहुत ही अच्छी आगे जाके निकलेगी क्योंकि प्योर क्वालिटी की है। आप देख सकते हैं अभी 8-10 दिन ले रही है। ये जो कुल गाय हमने जो गुजरात भेज रहे हैं जो भाई साहब ने ली है तो तकरीबन 62,000 से लेके 95,000 तक उन्होंने ली है, और बहुत ही अच्छी गाय है ये। ये हर आदमी हमारे से ले सकता है नंबर लेके, और ऐसी गाय हम दिला सकते हैं। ये एक इस वीडियो में खास है कि ब्रीड की गाय नहीं मिलती गंगानगर के, लेकिन उसका जवाब है कि टोटल गंगानगर से ये ब्रीड की गाय हमने लेके दी है।